Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. टोरंटो में कोरोना वायरस के दौरान वोटिंग का पहला तजुर्बा महफूज रहेगा। इलेक्शन कनाडा महफूज वोटिंग के लिए पुरअज़म। इलेक्शन कनाडा की तर्जुमान का कहना है कि हम वोटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। टोरंटो में रोबोट डिलीवरी के फराइज सर अंजाम देंगे। जियोफ्रे नामी रोबोट टोरंटो में कॉन्टेक्ट लेस यानी गैर राबते के डिलीवरी के फराइज सर अंजाम देगा। ये रोबोट अभी टेस्टिंग के मरहले में हैं और फूड डिलीवरीज कर रहे हैं। कोरोना वायरस बेकाबू। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर गैर जरूरी सफर पर पाबंदी में एक बार फिर तौसी कर दी गई। 21 नवंबर तक दोनों ममालिक की सरहद गैर जरूरी सफर के लिए बंद रहेंगी। कनाडा में कोरोना वायरस के मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2 लाख से तजावज कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,778 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। भारत की 19 आबादी का अगले वर्ष फरवरी तक कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज 46,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक और 594 लोग हलाक हुए। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा हलाकतें। अमवात की तादाद 11,23,000 से तजावज कर गई। मालिक वायरस दुनिया के 215 ममालिक इलाकों में 4,06,61,000 इंसानों को मुतासर कर चुका है। अमरीकी अवाम इस बात से तंग आए हैं कि कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं। जो बाइडन का कहना है कि मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं और ट्रंप कोरोना वबा को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। कोरोना वबा से निमटने के मंसूबे की बजाय माहिरीन को निशाना बनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। इलेक्शन कनाडा की तर्जुमान का कहना है कि हम वोटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, जिनमें पोलिंग स्टेशन में लोगों की तादाद पर पाबंदी शामिल है ताकि वो जिस्मानी फासला बरकरार कर सकें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कनाडा के अहदेदारों का कहना है कि टोरंटो में कोरोना वायरस के दौरान वोटिंग का पहला तजुर्बा महफूज रहेगा। इलेक्शन कनाडा की तर्जुमान नताशा गोशियर का कहना है कि हम वोटर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, जिनमें पोलिंग स्टेशन में लोगों की तादाद पर पाबंदी शामिल है ताकि वो जिस्मानी फासला बरकरार रख सकें। टोरंटो सेंटर और यार्ड सेंटर में इंतखाबात 26 अक्टूबर को होना है। दोनों मुकाबलों में पहले से ही वोटिंग जारी है। इस वबाई अमराज के आगाज के बाद ही पहली बार कैनेडियन फेडरल बेल्ट डालेंगे। ऑन्टेरियो पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर मौजूद है, इसके दरमियान ही वोटर्स राय शुमारी का रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद बढ़ते हुए केसेस देखते हुए रिहायशियों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की जरूरत है। एक गुलाबी रंग का छोटा रोबोट बड़े और मसरूफ शहर टोरंटो में आ चुका है। अगरचे जियोफ्रे को कोरोना वायरस से पहले तख्लीक किया गया था, लेकिन वो सही वक्त पर काम करने के लिए तैयार थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जियोफ्रे नामी रोबोट टोरंटो में कॉन्टेक्ट लेस यानी बगैर राबते के डिलीवरी के फराइज सर अंजाम देगा। टोरंटो के स्टार्टअप टिनी माइल AI को उम्मीद है कि ये डिलीवरी का मुस्तकबिल होगा। एक गुलाबी रंग का छोटा रोबोट बड़े और मसरूफ शहर में आ चुका है। अगरचे जियोफ्रे को कोरोना वायरस से पहले तख्लीक किया गया था, लेकिन वो सही वक्त पर काम करने के लिए तैयार थे। कंपनी के बानी का कहना है कि वो मुलाजमतें छीनने के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि ज्यादा तनख्वाह के साथ कुछ और तख्लीक कर रहे हैं।
हैं। उनका कहना था कि हम दूसरी कंपनियों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम डिलीवरी फीस वसूल करते हैं, जबकि माहौल दोस्त रोबोट इस्तेमाल करते हैं। ये रोबोट अभी टेस्टिंग के मरहले में है और एक दिन में कुछ फूड डिलीवरीज कर रहे हैं, लेकिन इनके ख्वाब पूरे शहर में फैलने और मुख्तलिफ तरह के कामों को चलाने के हैं। अमरीका कनाडा की सरहद पर गैर जरूरी सफर को बंद करने से मुतालिक मौजूदा मुहाइदा मार्च में पहली बार नाफिज किया गया था और इसके बाद से हर माह इसकी तजदीद की जाती है। कनेडियन हुकाम का कहना है कि शहरियों को महफूज रखने के लिए दस्तियाब सेहत आमा के बेहतरीन मशवरों के मुताबिक होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर गैर जरूरी सफर पर पाबंदी में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। 21 नवंबर तक दोनों ममालिक की सरहद गैर जरूरी सफर के लिए बंद रहेगी। सरहद के दोनों अतराफ में वायरस के फैलाव की जारी शरह को देखते हुए बंदिश में तौसी मुतवक्की थी। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने इसके तस्दीक की है। बिल ब्लेयर ने ट्वीट किया, हमारे फैसले कनाडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए दस्तियाब सेहत आमा के बेहतरीन मशवरों के मुताबिक होंगे। अमेरिका कनाडा की सरहद पर गैर जरूरी सफर को बंद करने से मुतालिक मौजूदा मुहैदा मार्च में पहली बार नाफिज किया गया था और इसके बाद से हर माह इसकी तजदीद की गई है। सयाहों और सरहद पार जाने के लिए पाबंदियां बरकरार हैं, जबकि तिजारत को छूट दी गई है। जैसे अहले खाना से मिलने या अपने चाहने वालों को कनाडा जाने के लिए हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी जा सकती है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलाआत के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 214,437 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 200,000 से तजावुज कर गई है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलाआत के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 214,437 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,778 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 94,429 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 6,044 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 65,075 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,050 है। अल्बर्टा में 22,775 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 292 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 11,687 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 253 है। भारत की कोरोना वायरस की प्रोजेक्शन कमेटी ने कहा है कि आइंदा बरस फरवरी तक मुल्क की 1,30,00,000,000 की आबादी में से लगभग निफ्स के कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान है। इस वक्त भारत में 76,00,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। भारत की निस्फ आबादी का अगले बरस फरवरी तक कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज 46,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक और 594 लोग हलाक हुए। भारत की कोरोना वायरस की प्रोजेक्शन कमेटी ने कहा है कि आइंदा बरस फरवरी तक मुल्क की 1,30,00,000,000 की आबादी में से तकरीबन निस्फ के कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान है। इस वक्त भारत में 76,00,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और ये अमरीका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद वाला मुल्क है। कोरोना वबा के आगाज में भारत में वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद में खासी कमी देखी गई थी, खुसूसन अमवात की शरह अमरीका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के मुकाबले बहुत कम थी। ताहम माहरीन ने इसकी वजह यूं बताई कि भारत में कोरोना टेस्ट ही महदूद पैमाने पर किए जा रहे हैं, जिसके सबब कोरोना से होने वाली हलाकतों की रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। भारतीय अपोजिशन मोदी सरकार को कोरोना के हवाले से मुनासिब इकदाम न उठाने पर तनकीद का निशाना बनाती रही है। हिजब इख्तलाफ पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत की निस्बत पाकिस्तान ने कोविड-19 का ज्यादा बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। अमेरिका और भारत में अब भी कोरोना वायरस बेकाबू है। चीन से नमूदार होने वाले इस वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में फैलाई। अब तक वायरस से अमेरिका में 2,25,000 अफराद जान से हाथ धो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अमवात की तादाद 11,23,000 से तजावुज कर गई। कोरोना की इस दूसरी लहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,300 अफराद हलाक, जबकि 3,38,000 अफराद में वायरस की तस्दीक की गई। दुनिया भर में नए कोरोना वायरस कोविड-19 से हलाकतें 11,23,180 हो गई हैं। ये मोहलिक वायरस अब तक दुनिया के 215 ममालिक और इलाकों में 4,06,61,000 इंसानों को मुतासर कर चुका है। दूसरी तरफ वायरस से लगने वाली बीमारी
अब तक 3,03,62,000 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। अमरीका और भारत में अब भी कोरोना वायरस बेकाबू है। चीन से नमूदार होने वाले इस वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही अमरीका में फैलाई। अब तक वायरस से अमरीका में 2,25,000 अफराद जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 84,56,000 है, जिनमें 55,03,000 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना बदस्तूर बेकाबू है। एक दिन में मजीद 46,000 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमू मुतासरीन की तादाद 75,97,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अमवात 1,15,000 हो चुकी हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से हलाकतें बढ़कर 1,54,000 हो गई और मुतासर अफराद की मजमू तादाद 52,51,000 से तजावुज कर चुकी है। रूस में वायरस से अमवात 24,300 से जायद है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 14,15,000 हो चुकी है। सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी अवाम इस बात से तंग आए हैं कि कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं और ट्रंप कोरोना वबा को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट चैलेंजर जो बाइडन ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ठीक कहते हैं, लोग तंग आ गए हैं, मगर अवाम कोरोना वायरस के बारे में ट्रंप के बार बार झूठ बोलने से तंग आए हैं। सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में उन्होंने कहा कि अमेरिकी अवाम इस बात से तंग आए कि कोरोना से अमवात बढ़ रही है, मुलाजमतें खत्म हो रही है और ट्रंप कोरोना वबा को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। जो बाइडन का कहना था कि कोरोना वबा से निमटने के मनसूबे के बजाय माहिरीन को निशाना बनाया जा रहा है, सदर ट्रंप ने कोरोना के मामले पर बुजदिली का मुजाहरा किया है। वाज़ह रहे कि अमरीकी सदर कोरोना वबा की असर सूरत हाल से मुल्क को खबरदार करने वाले डॉक्टर फाउची से नाराज हो गए। माया नास, माहिर इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, डॉक्टर फाउची को मुल्क के लिए तबाही करार दे दिया और कहा कि जो बाइडन डॉक्टर फाउची की बातें सुनना चाहते हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.